वेलकम टू हेल्थ आपके सर मैं हूँ सुरज। तो इस वीडियो पे हम लोग बैक केयर का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इस प्रोसीजर को दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सुतवा मैम, वो नर्सिंग ट्यूटर है, तो हम लोग के साथ हमारे स्टूडेंट भी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए फर्स्ट से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम जो प्रोसीड्योर करेगा वो है बैक केयर। लेकिन हम लोगों को मालूम है पेशेंट का कुछ काम करने के पहले हैंड वॉशिंग मास्क, ठीक है। हैंड वॉशिंग में सारे स्टेप है मुझे हम लोगों को मालूम है। एक है पाम टू पाम, दूसरे वाला है पाम बिटवीन पाम, तीसरे है बैक ऑफ द फिंगर टिप्स, उसके बाद चौथा है रबिंग द थंब, उसके बाद बैक ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। उसके बाद है रिस्ट और उसके बाद रिंग्स एंड वाइटर, ठीक है। ये करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अभी क्या करेगा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों पेशेंट का बैक केयर देना पड़ती है, क्योंकि पेशेंट का बैक ठीक रहने से, पेन ठीक रहने से, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहने के लिए पेशेंट को रिलीफ मिल रही है, इसलिए हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों पेशेंट का बैक केयर देती है, ठीक है। हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि पेशेंट जो कॉन्शियस है उनको बैक केयर जब हम लोग देगा तब बोलना चाहिए पेशेंट को जो अभी हम आपको बैक केयर देगा, ठीक है। बैक केयर देने के पहले सब कुछ अरेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। एक बावल, हॉट वाटर, वार्म वाटर, बॉडी लोशन, बॉडी पाउडर और एक टॉवल की बैक केयर देने के बाद पेशेंट का स्पंज कर देना चाहिए और पेशेंट का कपड़ा भी लेना चाहिए, क्योंकि स्पंज कर देने के बाद पेशेंट को कपड़ा भी पहनना है, ठीक है। पेशेंट का हम लोग पोजिशन ले लिया, अभी हम पेशेंट को क्या करेगा, बैक केयर देगा। बैक केयर का क्या है, छह वो स्टेप है। वो स्टेप में पहला वाला स्टेप का नाम क्या था, हैकिंग, और लास्ट वाला स्टेप है कॉपिंग। उसके बाद क्या है, पेशेंट को स्पंज कर देना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली हम लोग बैक केयर कब देना है, नहाने के पहले बैक केयर देना चाहिए। बैक केयर देने के बाद पेशेंट को टोटल स्पंज कर देना चाहिए। क्या है, वार्म वाटर से, मतलब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मिक्स करके उसी पानी से टॉवल को भिगा के ऐसे करके स्पंज कर देना चाहिए। उसके बाद पेशेंट का जो कपड़ा है उसी को पहन देना चाहिए। इसी का मतलब ये हुई है कि बैक केयर देने से पेशेंट का बैक पेन रिलीफ होती है। एक्चुअल क्या है, पेशेंट को बैक केयर देना चाहिए, जो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, क्यों बैक केयर देने से पेशेंट का
बैक पेन रिलीव होती है, पेशेंट का ब्लड कंडीशन ठीक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होती है और पेशेंट हर टाइम बेड में सोने से बेड सोर हो जाती है, लेकिन बैक केयर मिलने से पेशेंट को बेड सोर नहीं होगा और पेशेंट रिलीव भी मिलेगा, इससे पेशेंट को क्या आराम मिलेगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके पेशेंट को रिलीव मिल जाएगा। आज का वीडियो यही तक है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी फायदेमंद हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।